क्या आपको पता है कि टेस्ला जो कार कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, टेस्ला कार कंपनी उसका संस्थापक इलोन मस्क नहीं बल्कि कोई और ही है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये कंपनी इलोन मस्क का है। टेस्ला कार कंपनी का असली फाउंडर, विश्व की सबसे फेमस टेस्ला के संस्थापक इलोन मस्क नहीं बल्कि मार्टिन एबरहार्ड है। 2003 में मार्टिन ने मार्क टर्पेनिंग के साथ मिलकर टेस्ला की स्थापना किया था एंड उसके जस्ट वन ईयर बाद 2004 में इलोन मस्क ने टेस्ला में 56.3 मिलियन का निवेश किया था, जिसके बाद इलोन मस्क टेस्ला में अध्यक्ष बन गए। उसके बाद मार्टिन एबरहार्ड ने 2007 में टेस्ला कंपनी को छोड़ दिया। आप सोच सकते हो जिसने कंपनी को बनाया यार उसी ने कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद मार्टिन ने त्रिवेणी नाम से स्टार्टअप शुरू किया। यह स्टार्टअप पावर स्टोरेज सिस्टम पर काम करता है और आज मार्टिन का कुल संपत्ति नेटवर्थ है 500 मिलियन, यानी कि हाफ बिलियन संपत्ति है मार्टिन टेस्ला के फाउंडर का। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक में फैम पेज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।